प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना तीसरा पाठ भाषा व्याकरण व लिपि को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बड़ा जो मनोरंजन के लिए कौन कौन से पाठ पढ़े, एक गीत, हमारा पहला पाठ गीत था, आपने उसे याद कर लिया होगा, भले उसका संबंध व्याकरण से नहीं था, लेकिन जोश बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए ये पेड़ का महत्व बताते हुए और पर्यावरण की पेड़ कैसे रक्षा करते हैं ये गीत हमने सीखा। उसके बाद पहेली बूझी और उसके बाद हमने चित्र देखकर सही और गलत का निशान लगाया, जिसमें सूरज, वृक्ष और सैनिक के बारे में बताया गया था। आज हमारा तीसरा पाठ, सही मायने में हम कहें तो जो हिंदी व्याकरण की शुरुआत तीसरे पाठ से ही होती, तो हमारा तीसरा पाठ पहला है भाषा। आपको पता ही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं। पहुंचाना या प्रकट करना बात एक ही होता है, तो परिभाषा से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम कैसे पहुंचाते हैं अपनी बात दूसरों को, बोल करके या लिख करके। हम अपनी बात दूसरों तक दो माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं, एक या तो फिर बोल करके या फिर लिख करके, और दूसरों की बात पढ़ करके या सुन करके हम समझते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भी तो हमें अपनी बात पहुंचाता है, तो किस माध्यम से पहुंचाता है, बोल करके या लिख करके। इसके अलावा एक और भाषा का रूप होता है, सांकेतिक भाषा। संकेत में अपने विचारों को दूसरों तक रखना या दूसरों तक पहुंचाना, जैसे कि पास बुलाने के लिए आपको पता है हम इस तरह का इशारा करते हैं, आओ। केवल इशारा जान के ही आगे वाला, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि उसे बुलाया जा रहा है। मना करने के लिए, नहीं कहने के लिए सिर हिला करके भी मना किया जाता है। तो ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण। तो ये ऐसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, दिन में हम कहें तो दिन में 1% से भी कम करते हैं। तो इसीलिए ये मुख्य रूप नहीं है भाषा का, लेकिन सांकेतिक भाषा भी होती है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से अगर कहें भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक रूप मतलब बोलना, बोल करके अपने विचार प्रकट करना, और लिखित रूप, लिख करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना या प्रकट करना। तो शुरुआत करते हैं पहले हम परिभाषा से। तो आप भी लिखिए भाषा की परिभाषा। परिभाषा, भाषा, मन की बात या बात को भाव बोल सकते हैं, क्योंकि बात का अर्थ यहां पे भाव से है, भावना से है, को प्रकट करने, प्रकट करने का साधन, करने का साधन, प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा है, तो ये भाषा की एक बड़ी सरल सी परिभाषा है, तो इसे याद कर लें। मन की बात या भाव को प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। आपको दो रूप बताए, तो हम अपने विचार दूसरों तक कैसे प्रकट करते हैं, बोल करके या लिख करके। अगर हमें अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाने हैं तो बोल करके
या फिर दूसरा तरीका है लिख करके पहुंचाते हैं। और दूसरों की बात कैसे सुनते हैं, समझते हैं, सुन करके और पढ़ करके, उसका लिखा पढ़ करके या उसका कहा सुन करके। तो ये थे, अब आ जाते हैं भाषा के दोनों रूप, मुख्य रूप बनाते थे, सांकेतिक भाषा इसमें नहीं किया है, क्योंकि जो मुख्य रूप की हम बात करते हैं तो मुख्य में केवल दो ही रूप आते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। तो भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, इसे मिटा देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, मौखिक को हम बोल सकते हैं मुंह से बोलकर, मुख से बोलकर, मुख से बोलकर, मुख से बोलकर मौखिक, लिखित है लिखा हुआ रूप, जैसे पत्र है लिखा हुआ रूप, लिखा हुआ रूप पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गई, मैगजीन जिसे बोलते हैं, ये सब लिखित रूप। ईमेल, ईमेल क्या है? लिखित रूप। तो ये था हमारा भाषा के दो मुख्य रूप। अब आ जाते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो राज्य के अनुसार अगर बात की जाए तो हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली ही जाती है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है, बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो राज्यों के अनुसार, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे कि अगर ये मत समझ जाइएगा मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा, यहाँ का अर्थ है राज्यों में मुख्य रूप से बोलने वाली, जैसे पंजाब में मुख्य रूप से पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल पंजाब में जो भी रहता है वो केवल पंजाबी बोलता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश लोग पंजाबी बोलते और समझते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि पंजाब में हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश नहीं या अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है, इसका ये अर्थ नहीं है। मुख्यतः पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, ठीक उसी तरह गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो मुख्य रूप की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है तो इसका अर्थ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है। और हमारे शहर में वाराणसी में तो जो बहुत से लोग बंगाल के भी हैं बांग्ला भाषा बोलते हैं, गुजरात के लोग भी हैं वो गुजराती बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया, ये थी राज्य और उनकी भाषाएं। तो एक तालिका है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पहले मैं राज्य का नाम पढ़ूंगा, उसके बाद वहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषा। अब ये मुख्य समझ लिए, आपको अर्थ पता चल गया कि अधिकांश लोग ये भाषा बोलते हैं, समझते हैं। तो पंजाब में पंजाबी भाषा, मैं एक हमारी व्याकरण की पुस्तक से ही सूची पढ़ रहा हूँ। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है मुख्यतः। पश्चिम बंगाल में बंगाली या बांग्ला भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी। अब कश्मीर राज्य नहीं रह गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ये जरा इसमें बदलाव, इसे राज्य न माना जाए। तो कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब आ जाता है हमारी राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब सवाल उठता है, हमारे देश में तो इतनी तरह की भाषाएं हैं, तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाए, गुजराती को क्यों नहीं कहा जाए, पंजाबी को क्यों नहीं कहा जाए, कन्नड़ को क्यों नहीं हम राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। तो इसका कारण भी आपको बता दूं कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पे हिंदी बोली जाती है और इसे लोग समझते हैं। तो अगर राज्यों के अनुसार बात की जाए तो कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी बहुत सा बड़ा हिस्सा हिंदी भाषा बोलता है। तो वे अधिकांश बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी भाषा बोलता है। तो केवल इस आकार की बात नहीं, आबादी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी गौर किया होगा तो मुंबई में जहाँ हिंदी पिक्चरें बनती हैं, हिंदी फिल्में बनती हैं और हिंदी फिल्में लगभग पूरे देश में देखी जाती हैं, तो हिंदी को समझने वाले एक बहुत बड़ी आबादी हिंदी समझती है या बोलती है। तो इस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो अब हम चलते हैं व्याकरण में। भाई व्याकरण जो है उसकी परिभाषा आप लिखते हैं। हमने भाषा के बारे में आज हमने क्या क्या है आपको बताया। सबसे पहले हमने भाषा से शुरुआत की, परिभाषा से, भाषा की परिभाषा बताई आपको कि मन की बात या भाव को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप अभी भी लिखा है, ये दो है मुख्य रूप, मौखिक और लिखित। सांकेतिक को मुख्य रूप नहीं माना जाता है, उसका प्रयोग काफ़ी कम होता है, इसलिए कहीं की पुस्तकों में आपको दिख जाएगा तो सांकेतिक भाषा भी होती है लेकिन वो मुख्य भाषा नहीं है, उसका प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है। दिन में हम कहेंगे तो 1% से भी कम इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस कारण से मुख्य में नहीं रखा है। मुख्य भाषा के रूप में मौखिक भाषा, अर्थ है मुख से बोलकर, लिखित भाषा लिखा हुआ रूप, लिखा हुआ रूप समाचार पत्र हो गया या पत्र लेखन आपने किया है, पत्र जो होता है पढ़ के, ईमेल भी लिखित रूप में ही आएगा। अब हम चलते हैं व्याकरण, परिभाषा से ही लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे व्याकरण। हमारे व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण तो
व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें सही भाषा का इस शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि न केवल बोलना सिखाता है बल्कि लिखना भी सिखाता है। बोलने का अर्थ यहाँ उच्चारण से, तो किसी भी भाषा के लिए हम कहें कि उसके व्याकरण का बहुत महत्व होता है। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह शास्त्र है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और हमें याद भी करनी है। व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है। तो परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो कोई ये ना मान ले कि सभी भाषाओं की एक ही व्याकरण होती है, ऐसी बात नहीं। हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। पंजाबी भाषा जो है उसकी व्याकरण अलग है, अंग्रेजी जो भाषा है उसकी भाषा उसका व्याकरण अलग है, हिंदी का व्याकरण अलग है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह हमें उस भाषा को बोलना लिखना सिखाता है। बोलने का अर्थ है उच्चारण, उच्चारण भी व्याकरण ही बताता है। और इसका एक महत्व और है कि भाषा की एक रूपता बनाए रखता। तो बच्चों को ये बात कैसे समझ है, एक रूपता जो हिंदी यहाँ बोली जाती है, बनारस में बोली जा रही है या वाराणसी में बोली जाती है, वही हिंदी महाराष्ट्र में भी वही रहेगी। यानी कि उसमें कोई बदलाव आ जाएगा, तमिलनाडु में बोली जाने वाली हिंदी भी उसका एक मानक रूप ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ तो अगर किसी दूसरे देश की बात करें, अमेरिका में भी अगर जो हिंदी बोली जाएगी वह ठीक उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की तरह, मतलब एक भाषा का की एकरूपता बनी रहती है व्याकरण के कारण। व्याकरण भारत जो भाषा का शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है, तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि भाषा व्याकरण भाषा की एक रूपता बनाए रखता है, उसमें अशुद्धि नहीं आने देता। उदाहरण बोली से करते हैं, बोली और भाषा इन दोनों का भी अंतर जरा समझ लेते हैं। बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो बोली का क्या होता है, बोली बदलती जाती है स्थान, क्योंकि व्याकरण नहीं होता है तो उसकी अशुद्धियाँ दूर नहीं होती। तो हमने क्या देखा, जैसे कि भोजपुरी बोली का ही उदाहरण लिया जाए, भोजपुरी बोले बोलने वाले करीब 18 करोड़ लोग हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है। प्रयागराज इलाहाबाद की बात की जाए, वहाँ की भोजपुरी वाराणसी की भोजपुरी से अलग होगी, गाजीपुर सोनभद्र मिर्जापुर जौनपुर इन सब की भोजपुरी, पटना की जो भोजपुरी है वो अलग होगी, क्योंकि इसका व्याकरण होता नहीं, इस कारण से ये बोली कहलाती है और इसमें एक रूपता नहीं होती। तो इस कारण से बोली
और व्याकरण में यही, बोली और भाषा में यही अंतर है। हर भाषा जो भाषा होती है उसका व्याकरण उसको हमेशा शुद्ध रखता है, लोगों को अशुद्धि का ज्ञान दिलाता है। तो इसीलिए व्याकरण सचमुच बहुत ही महत्व की चीज़ है किसी भी भाषा के लिए, और इसीलिए हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो ये थी व्याकरण के बारे में। व्याकरण की भी जो है तीन भेद होते हैं, या हम कहेंगे तीन भाग होते हैं। भाग व्याकरण के तीन भाग हैं, उनको भी लिख देते हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण के भेद बताओ। तो परिभाषा नहीं बता देते इसे। व्याकरण के भाग, व्याकरण के तीन भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। तो व्याकरण के चार तीन भाग हैं। वर्ण, वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके लिए और खंड नहीं किए जा सकते। शब्द आपको पता है ये वर्णों से बनते हैं, और शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। तो ये थे हमारे व्याकरण के तीन भाग हैं। तो किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर करते हैं, जैसे हम शब्द की, जैसे हम बताएं कि व्याकरण के जो तीन भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, अब इनकी व्याकरण किस रूप से कैसे हमें भाषा का सही ज्ञान कराता है, क्या शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे कराता है। तो एक दो उदाहरण के तौर पे चलते हैं। जैसे एक शब्द विचार से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ गलती है। तो ये गलत शब्द है, ये गलत है। शब्द से पुस्तक कैसे लिखा जाता है, और भी छोटा ऊ की मात्रा होती है, आधा स, पूरा त। तो हम कहेंगे इसमें शब्द की त्रुटि थी या अशुद्धि थी या गलती थी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, अकाश, अकाश, ये भी अशुद्ध है, गलत है। इसका सही रूप क्या है, आकाश, आकाश। तो आकाश पुस्तक, ये सही रूप। इसके अलावा केवल शब्द की, अब हम चलते हैं, जैसे कि वर्ण संबंधित अगर अशुद्धि की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, आकाश, आकाश, ये गलत है। वर्ण संबंधित जो त्रुटि है, आकाश होना चाहिए। तो वर्ण संबंधित त्रुटि, शब्द संबंधित त्रुटि, या कभी-कभी तो वाक्य संबंधित त्रुटि भी हमें व्याकरण से ही पता चलती है। तो एक उदाहरण करते हैं, हमारे पाठ्यपुस्तक की ही उदाहरण उनको कर लेते हैं, वाक्य की अशुद्धि हम कैसे दूर कर सकते हैं। वाक्य की अशुद्धि व्याकरण से हम लोग दूर करते हैं।
मैं पहले अशुद्ध लिखूंगा, फिर उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अशुद्ध, और यहां शुद्ध होगा। पहला जैसे कि ये वाक्य है, मेरे को गेंद चाहिए, मेरे को गेंद चाहिए। अशुद्धि क्या है? मेरे को नहीं होता है, मुझे होता है, मुझे गेंद चाहिए। तो इसको शुद्ध करके भी मैं लिख देता हूं, ये त्रुटि थी, ये शुद्ध वाक्य है, मुझे गेंद चाहिए। दूसरा वाक्य है, माता जी आ गए, ये वचन संबंधित गलती है, माता जी आ गए। माता जी एक वचन है, यहां पे आ गए जो क्रिया का है ये बहुवचन रूप है, तो ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा माता जी आ गई। दूसरा वाक्य, माता जी आ गई, माता जी आ गई, तो कहां गलती थी? गए। तीसरा बात, हमारा तीसरा वाक्य है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इसमें शब्द संबंधित त्रुटि है, शब्द संबंधित त्रुटि है। किसमें गलती है? कौन सा शब्द गलत लिखा है? पुस्तक, पुस्तक लिखा है, पुस्तक होता है, तो इसको शुद्ध करके लिखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। चौथा वाक्य है, आकाश में चिड़िया उड़ती है, आकाश में चिड़िया उड़ती है। तो इसमें अशुद्धि है शब्द का, ये भी शब्द की गलती है, आकाश नहीं होता है, आकाश होता है, तो इसको शुद्ध करके लिख देते हैं, आकाश में चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो ये सब जो अशुद्धियां हैं व्याकरण के द्वारा ही सही की जाती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये सब हमने इसीलिए किया कि आपको पता चले कि जो व्याकरण है उसका मुख्य महत्व क्या है, वह किसी भी भाषा की एक रूपता बनाए रखता है, उसकी अशुद्धि को दूर करते रहते। तो ये था
हमारा व्याकरण तो आज का आपका गृह कार्य है। एक तो भाषा की परिभाषा और एक व्याकरण की परिभाषा आपको लिख करके याद करनी है, शेष हम कल करेंगे।